हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बैटलफील्ड 1। और ये हमारी लास्ट एपिसोड है इस वार स्टोरी की। और लास्ट टाइम हम लोगों ने अटैक किया था एक चर्च को कैप्चर करने के लिए, और उसके बाद एक आर्टिलरी गन और एक एंटी एयर गन जो थी उसको हम लोगों ने एक तरह से डिस्ट्रॉय और कैप्चर किया, ताकि हम लोग जो असाल्ट है और जो जगह ऑस्ट्रो हंगेरियन फोर्सेस ने कैप्चर की हुई है उसको रिकैप्चर कर सकें, या जो भी था असाल्ट सक्सेसफुल हो सके। बट एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद जब एनिमी फाइटर्स ने लैंडस्लाइड क्रिएट कर दी हमारी बटालियन के ऊपर, तो उसके बाद जो है हाल्ट हो गया अटैक एक तरह से। और अब हमारा काम है नीचे उस एरिया में जाकर अपने भाई को ढूंढना। स्टार्ट करते हैं अपनी एपिसोड और देखते हैं क्या होता है। I had to find Matteo. He could have been anywhere. Okay, तो मेरे ख्याल से हम लोग स्टेल्थ वाला ऑप्शन यूज कर सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है हमें फिलहाल ऐसा कुछ करने की। मुझे ये गन चाहिए थी यहाँ पर, इसकी जो थी बेबी, हाँ ये रही। राइट, और नीचे फाइट हो रही है, तो चल के देखेंगे वहां पे क्या हंगामा चल रहा है। First thing that came through the fog. There were allies pinned inside lodges. I needed to save them. Okay, ठीक है, तो पहले इन allies को बचाएं और बाद में चल के मटेओ को ढूंढेंगे। Okay, तो मेरे ख्याल से मुझे पहले कवर में जाना चाहिए। बहुत बुरी तरह से फायर लग रहे हैं। Wait a second. हेल्थ काफ़ी लो हो गई है और मैं बिला वजह मूव नहीं करना चाह रहा। क्या कोई एक ऐसे रैंडम फायर भी आके लग गया तो काम खराब हो जाता। ओके वेट अ सेकंड, कोई गन काम की मजीद अच्छी सी। नो ये अच्छी हो सकती है। और वैसे ये बुरी नहीं है, क्या ये रखनी चाहिए, या शायद मैंने यही फेंकी है, या मुझे लग रहा है कि मैंने यही सेम गन फेंकी थी। Armored vehicles coming from the enemy fort. But you didn't have your equipment anymore. There were crates of enemy weapons in the lodges that we scavenged and prepared ourselves with. Okay, तो मुझे vehicles के against कोई चीज चाहिए? No, mine नहीं। Yep. But मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी है हमारे पास। और कोई और चीज? Stick grenade. All right. ये भी ठीक है। ये रही व्हीकल्स। नाइस। ओके बच्चे, तुम यहां पे क्यों आए हो? ये हमारा एरिया है। ऑल राइट, सो फार सो गुड। ओके और व्हीकल? यस, इससे पहले के सोल्जर्स बाहर आते मैंने सोचा इनका काम तमाम करें। ओके तो ये इंटेंस फाइट है। ओके मूव। अबे यार, उस ग्रेनेड की वजह से सारा काम खराब हो गया। ओके तो इस बार मैंने गन चेंज नहीं की, और मेरे ख्याल से ये वाली गन ज्यादा बेहतर थी क्योंकि इसके ऊपर ये साइट लगी हुई है। ऑलराइट, गाड़ी आ रही है। अबे टक्कर मत मारना। व्हाट द हेल, जल्दबाजी के चक्कर में क्या किया मैंने यार, शिट। ओके अब की बार वो गलती नहीं करनी। नाइस। ओके तो वेट करते हैं अगली व्हीकल के आने का, तब तक इस गन को यूज करें। ओ भाई ये गन वाकई कमाल की है। ये साइट बहुत हेल्प कर रही है और
रिकॉइल जो है वो इस गन का बहुत कमाल का है। अनफॉर्चुनेटली इस वेपन की बुलेट्स ज़रा कम है। अबे ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ? नाइस, थोड़ा हील करें खुद को और होपफुली एमुनेशन इतनी जल्दी ख़राब ना हो और होपफुली एमुनेशन इतनी जल्दी ख़त्म ना हो। बट ये गन जितना एक्यूरेटली फायर कर रही है मुझे नहीं लगता कि एमुनेशन ख़त्म होगा इतनी जल्दी। नाइस, ठीक है। ओ बेबी, ओके सो क्या हम ये फाइट जीत चुके हैं? Nice. Through sheer Lovely. force of will, we took out their firepower. The lodges were safe, and I had to move on. You never said, was Mateo in those lodges? No. The men said his unit had made it further up. Okay, so mazeed aage jana hai hum logon ne. Oh man, is landslide ki wajah se lashen hi lashen bikhri hui hain aur iska matlab hai ki Mateo ke bachne ke chances bhi bahut kam hai. Every part of me wanted to get out of the trenches, but I could hear Italian yelling. I knew my friends were trapped. Everywhere I looked, too late. I felt alone among ghosts. After a while, I couldn't even look at the bodies. I had to have made it to the fort. Okay, मैं hope कर रहा था कि जो gun मैंने pick की हुई है उसका एमओ मुझे मिल जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। बाकी पीछे जो हैं वो पड़े हुए थे कलेक्टेबल्स, पर वो मैं वैसे भी पिक नहीं कर रहा तो छोड़ दिए मैंने। ओके, ये मैंने क्या किया है अभी? अगेन क्या चपली मारी है मुझे नहीं पता, बट मुझे ये भी नहीं पता कि हम जिंदा कैसे बच गए इस चपली के बावजूद। But jo bhi hai theek hai. There were two ways into the fort. I could either go through the underground tunnels or above ground by circling around the back. Not through the front? I no longer had my armor. It was impossible. Yes. To hum log ye tunnel le rahe hain aur ye baat sahi hai ki ab hamare paas hamara armor nahi hai to hum log chode mein nahi ja sakte. Hame sukoon se move karna padega. Oh shit. ओह मैन, जितनी देर में मुझे पता चला देर हो चुकी थी। शिट, ऑलराइट, अब की बार नहीं मरूंगा बच्चे, मैं तेरे से, तू मरेगा अब। नाइस, एमओ कम है, सेकेंडरी वेपन यूज करनी चाहिए। कम ऑन, निकल बाहर। नाइस, इजी। वेट अ सेकंड, मेरे ख्याल से मुझे अपनी सेकंड वेपन चेंज कर लेनी चाहिए क्योंकि उसका एमओ मिल नहीं रहा मुझे। अबे जल्दी से वेपन चेंज करें। ओके, ओ शिट, रिलैक्स बेबी, मैं रिलोड कर रहा हूँ। ओके ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है? ओके, कोई काम की वेपन नहीं है। ये है पड़े मेरे पास। ओके वेट अ सेकंड, नो, पहले कवर में जाना है उसके बाद देखें क्या सिचुएशन चल रही है। ओह, एक आर्मर्ड एनिमी, तो ग्रेनेड यूज करते हैं। मर जा साले, क्या ये मर गया? यस, नाइस, ओके रिलैक्स, इजी।
अबे यार काश वो साइट्स वाली वेपन मेरे पास होती इस टाइम पे, बहुत बहुत काम आसान हो जाता। बट इट्स ओके, स्टिल ये वेपन भी काम कर रही है। और मेरे ख्याल से एक और आर्मर्ड एनिमी आ रहा है। ओह शिट, वी आर इन अ बैड स्पॉट बॉयज। अब ऐसा ओके ऑल राइट, मुझे नहीं पता इस छोटी सी वेपन ने कैसे काम किया, पर आई एम हैप्पी। ओके मुझे हिट्स कहाँ से लग रही थी, जरा हील कर लें और फिर चेक करते हैं। I don't know how. I just knew Mateo wasn't there. ओके तो अब जरा इस एरिया को चेक करें। I still think about that field every day. क्या पहुंच चुके हैं हम लोग उस जगह पे? बट सारे हमारे सोल्जर्स मर चुके हैं यहाँ पर, कोई भी जिंदा इंसान नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। Oh man, this is so sad. Giving into the hope that Mateo had escaped. And No! Shit! ये दोनों ट्विंस थे, मतलब दोनों की सेम एज थी। और ओह शिट, और अगेन इसकी बर्थडे थी आज। She never got older. जिस टाइम पे ये स्टोरी सुना रहा है मैं। And here I am still. Shit. Who decides such things? I don't know. Maybe I know, but मैं कुछ कहना नहीं चाहता उस बारे में। Buon compleanno, Matteo. Oh, babies. तो हमारी तीसरी वार स्टोरी यहां पर एंड हुई। ओके डेफिनेटली जो है मजे की थी, फाइट मजे की थी और स्टोरी भी डेफिनेटली, बट अगेन एंडिंग जो थी वो काफ़ी सैड थी और वो डेफिनेटली जो है वो इफेक्ट कर रही है। बट बहरहाल आप लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं इस हवाले से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हमारी दो वार स्टोरीज रह गई हैं और अपनी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अपनी फोर्थ वार स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।